हैवानियत पर उतारू एक पुलिस वाले ने एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान कई पुलिस वाले ये तमाशा देखते रहे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये मामला दमोह का है। दमोह से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक छोटे मासूम बच्चे का एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक पुलिस वाला हैवानियत पर उतारू है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस कांस्टेबल बच्चे की पिटाई कर रहा था, उस दौरान कई अन्य पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और पत्थर का खेल होगा। हेलो, बोलो। बस लगी है गुटी, झगड़ा होगा, होते तीन गुल्ली पे आ रहा है भाई। बस तुम्हारा काम दे, चलते ही है। दमोह एसपी विवेक सिंह ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दो कांस्टेबल महेश यादव और मनीष गंधर्व के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट कर इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने लिखा, दमोह में एक मासूम बालक की पिटाई का एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी सामने आए उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस तरह की हैवानियत से भरी घटनाएं मानवता को तार तार करती हैं। वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही इसके दोषियों को बख्शा जा सकता है। एसपी ने बताया कि किस बात पर मासूम की पिटाई की गई, ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को पुलिस की तरफ से समन भेजा जा चुका है। वीडियो में सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति को अन्य वर्दीधारी कर्मियों के साथ एक लड़की की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि वीडियो दमोह के कोतवाली थाने में 9 दिसंबर को शूट किया गया था, जहां बाल सुधार गृह सागर से भागे एक मासूम को पुलिस ने पकड़ा था और पूछताछ के नाम पर उसे बेरहमी से पीटा गया। एक वीडियो है जो कि संभवतः दिखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोतवाली दमोह थाना परिसर का है, और जिसमें दो व्यक्ति सिविल ड्रेस में, संभवतः आरक्षक है, वो एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं, और जिसके आधार पे उनकी पहचान कराई गई, तो उन दो आरक्षकों को अभी लाइन अटैच किया गया है और एसडीओपी तेंदुखेड़ा को इनकी जाँच दी गई है। जाँच के आधार पर जो पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। इसमें संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।